लाइट से अभी आप इस लड़की को पढ़ा सर अच्छे से टीएसएम नांगलोई हरी कॉम्प्लेक्स सेकंड फ्लोर नजबकर रोड नांगवे न्यू दिल्ली 110041 फोन नंबर 9999655627 मैं बुक नहीं बुक्स ला सकती हूँ वाओ पकड़ो तुम इसे आप अपना कुछ लिया कोई भी हाथ से कोई साइन कुछ भी एक्टिविटी करके दिखाओ ये कैसे हो रहा है जैसे अब तो मतलब इसका कोर्स भी है हाँ ये मेरी बुक है हाँ बना मैम इस पे कर्सिव राइटिंग लिखा हुआ रेड कलर से और ये फाइव क्लास मतलब फिफ्थ क्लास की होगी अंदर फिर इस साइड लिखा है राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट सीरियसली ये तो मेरी बुक है ये तो बिल्कुल मैं दूसरी जॉइन अस और फॉर सुशांत थर्ड बर्थडे पार्टी मैं एक और निकाल के लाती हूँ एट एयर पंजाब पंजाबी बाग क्लब रोड 4:30 PM इसको लिखा हाइड एंड सी ओ वाह सीरियसली बहुत सारा भी कर सकते हैं बिल्कुल बारीक मत जो सारा छोटा बनाई दीजिए चलेगा Hide and seek. You can play hide and seek in the field. Find your birds wherever you look. Find now little boys and girls. Little boys and girls. Hares, the hare street. You can play hide and seek in the back. हाँ सही है. Seriously.
जो ज्यादा छोटा हो छोटा जो हमारे को नहीं दिखता तो उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। और किसी को आपके पास भी कार्ड है मैं हां कार्ड भी चेंज करो कार्ड दिखा पड़ेगा मैं क्या होगा देखो आपके कार्ड है ना सबको रैंडमली बांटे किसी को छांट के नहीं बांटे नहीं और आपने हमारी पिक्चर्स तो नहीं देखी मैंने मेरी पिक्चर्स भी देखी तो मेरे पास था ना वो आपने तो लिया कोई भी दिखाओ देखो बेटा मोबाइल दिखाया हां देखो सामने क्या है थोड़ा सा रोशनी का क्या सर लाइट सजा लाइट का इफेक्ट पड़ रहा है चमक रहा है बेटा मैम एक कार्ड दिखा रहे हैं सर कार्ड है उनके पास पिंक कलर की ये वॉच दिखा दे रहे हैं कार्ड ओके वॉच दिखा दे रहे हैं थोड़ा सा लाइट का इफेक्ट हाँ दिख रहा है मतलब इसके ऊपर हिंदी से लिखा हुआ है ओके और इस पे लिखा हुआ है नजदीक से देखेगा दूर से तो वैसे नहीं दिख सकता किसी को क्या तुम्हारा सामने बाइक अच्छा बेटा आपके सामने जो भैया खड़ा है उन्होंने क्या पहना है मतलब गर्ल है वो और उन्होंने लाइट रेड कलर की शर्ट टी शर्ट पहन रखी है और नीचे ब्लैक वेरी गुड स्पीचलेस अभी बिलीव हुआ मेरे कि ऐसा होता है कुछ भी है मैम ये कोई मैजिक नहीं है कोई ट्रिक नहीं है ये सिर्फ एक कोर्स है एक कोर्स है मेडिटेशन जो बच्चों को सिखाया जाता है कोई भी बच्चा कर सकता है सबके बच्चे कर सकते हैं ऐसा बस आइडिया जैसे पढ़ाई कर सकते हैं सभी बच्चे ये कर सकते हैं अरे एक चीज बताओ मुझे मेरे को एक चीज पूछनी है हमने कुछ कहा बच्चा नहीं पांच से छोटे बच्चे मतलब हम कह रहे बेटा इधर बैठ जाओ वो नहीं बैठेगा रोना चालू करेगा इसलिए आइडियल एज है इसकी 6 to 16 अच्छा 16 से ऊपर फिर नहीं करवाते क्यों क्योंकि फिर जैसे ग्रोथ होती है एज बढ़ती है तो लेयर जितना स्टार्ट हो जाती है अगर इससे इन दोनों के बीच में जो कराया जाता है वो 100% इफेक्टिव होता है गारंटी मेरा ये बाई चांस कोई बच्चा कराओ ना करना तो उसको मतलब कि इसको एक्टिवेट करने के उसके भी आप इवन आज तो डॉक्टर हर बंदे को कंसल्ट करते हैं कि आप थोड़ी देर मेडिटेशन किया करिए ठीक है दूसरी बात आपने कहा कि बच्चे का नहीं होगा क्यों नहीं होगा नहीं मैं केस आप एक परसेंट केस अगर नहीं होता चले ना आपकी बदलने के लिए 1% लेने दें अदरवाइज हमारे सामने अभी तक ऐसा किसी के सामने वो नहीं आया केस में बच्चे को ना आया बट अगर आप 1% की बात कर रहे हैं तो आपको अगर फायदा नहीं हुआ हाँ क्योंकि आपकी 1% की पॉजिटिविटी है हाँ ठीक है अगर आपको बच्चों को फायदा नहीं हुआ तो 100% की गारंटी है नुकसान कुछ भी नहीं हुआ कुछ भी सिर्फ मेडिटेशन है कोई कोई बच्चा मान लीजिए मैट्रिक में फेल हो जाता है अगले साल भी फेल हो जाता है अगले साल भी फेल हो जाता है चौथी साल तो पास होगा पांचवी में तो होगा उसमें नुकसान बच्चे का कोई नुकसान नहीं हमारा बच्चे का कोई नुकसान नहीं होता है 3 मंथ्स का ओके तो हम 3 मंथ्स में 24 क्लासेस देते हैं वीकली 2 डेढ़ या एक या डेढ़ घंटे के उसके हिसाब से हमारे 24 क्लासों में बच्चा 100% हो जाता है इन केस अगर जैसे कि आपने कहा कोई एक्सेप्शन हो जाता है तो उसमें एक दो क्लास ऐसा लगती है बट
ये नहीं है कि भाई जॉब करा दोगे हमारे बच्चे को, तो भाई नहीं मेरा मतलब मेरे को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं हो तो ना हो, पर बच्चे नहीं साइड इफेक्ट तो नहीं आ गया क्योंकि बच्चा जितना था उससे भी गया या कुछ नहीं है मेरा मेडिटेशन से कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं मेरे को मेरे को इस चीज का बेसिकली मतलब मेडिटेशन उसे किसी को भी कोई नुकसान नहीं। हाँ, वो तो मुझे मालूम है क्योंकि सभी आप डॉक्टर भी बोलते हैं आजकल भाई आप थोड़ा मेडिटेशन करो उसमें दिमाग थोड़ा शांत रहता है। हाँ, और बच्चा भी शांत रहता है। आपने जो शिवजी वाली बात बोली कि दिस आल्सो आई नो कि ये ऑरा होता है बॉडी के अंदर और इसको हम जितना वो करेंगे क्योंकि मैं आई बिलीव इन पूजा और मैं बहुत ज्यादा करती हूँ तो मुझे उस चीज की नॉलेज है बट की इस चीज से बेबी को कोई साइड इफेक्ट ना हो बस ये क्योंकि ये चीज में क्या प्रोसीजर सिर्फ मेडिटेशन इज द ओनली प्रोसीजर ये बिल्कुल नहीं मानती Only meditation. हमारा प्रोसीजर मैम सिर्फ मेडिटेशन कंप्लीट होने के बाद ही मेडिटेशन कंटिन्यू करना पड़ेगा बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं रख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है अभ्यास रखते हैं तो वो कोई भी चीज आप नहीं छोड़ दोगे तो धीरे धीरे तो भूलना शुरू हो जाओगे बच्चे तो बच्चे हैं ना वो हाँ तो उसके ऊपर जरूर ध्यान देगा वो भूलेगा नहीं कभी बेसिकली सिर्फ अपने बच्चे को 5 मिनट देना हाँ। 5 मिनट तो देना चाहिए दे सकते हो पूरे एक दिन में आप 5 मिनट दे सकते हैं अपने बच्चे को तो वो चीजें काम उसके साथ रहेगी आपका मीन मतलब लगता है जो 24 आफ्टर 24 क्लासेस क्रिकेट को खुद डेली अपने ऊपर 5 मिनट्स डेली नहीं चाहे हफ्ते में ट्वाइस अ वीक ठीक है सिर्फ 5 मिनट इससे ज्यादा नहीं क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग में अभी ऐसे मान लीजिए आप अभी गाड़ी चलाना जानती हैं आपने गाड़ी अभी नहीं चलाई 6 महीने जब दोबारा बैठोगे ना थोड़ा सा झुकसा होता है अगर हर 2 महीने के बाद महीने के बाद गाड़ी चलाएगा तो कोई महीना चलेगा कि हाँ मैं कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज़ में रेगुलरिटी रहेगी तो प्रैक्टिस तो मैन परफेक्ट वही बात तो होती है एक चीज़ करनी है मैम आपको आपके बच्चों को ना स्टार्टिंग 24 क्लासेस के बीच में आपको घर पे कुछ नहीं करना इंस्ट्रक्टर के बगैर कुछ नहीं करवाना ठीक है ना अच्छा। वो हम अपने सामने हाँ। जैसे हमने सिखाया किसी को मेडिटेशन करवाया जाके इस चीज की ट्राई ना करे नहीं करवाएंगे घर पे नहीं करेगा 24 क्लास भी होने के बाद में आप अपने सामने 5 मिनट करवाइए उसके बाद दिखा दीजिए जैसे मॉकी शो होता है लोग बच्चों को ये कराते हैं तो डोंट बिलीव तो ये चीजें नहीं करानी क्योंकि क्लासेस में जब हम कराएंगे ना तो सबसे पहले सिर्फ हम अपने आप को मुझे एक चीज़ पूछनी थी जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं आगे जाके हम काफ़ी मैथ साइंस पढ़ना होता है कोई चीज़ पढ़ते हैं एक बार सिर्फ क्या वो हमें याद हो जाएगा मतलब कि एग्जाम में लिखे हैं तो वो जैसे आंख बंद करके इससे दिख रहा है वैसे हमें भी करते टाइम दिखना चाहिए ऐसा हो सकता है फोकस करेगा ना मेडिटेशन नहीं ये कंसंट्रेशन पावर बढ़ा रहे हैं इसकी उसको रोबोट नहीं बना रहे नहीं मशीन नहीं बना रहे शी इज आल्सो रीडिंग व्हेन वी गिव हर नहीं जैसे अभी पढ़ा मान लो मैंने बुक दी कंसंट्रेट एक